इंडिया की ये चीजें बाहर के देशों में कैसी दिखती है और कैसे फ्रिज में रखे ये चीज खाने से आप 150 साल तक आराम से जी सकते हो, और कैसे सेल्फी आपको दिन भर दिन बदसूरत बनाती जा रही है और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, और कैसे ये खराब चीजें आपके लिए एक्चुअली में अच्छी है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये CD काम कैसे करती है, लाइक इसमें इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इन्फॉर्मेशन बाइनरी कोड में स्टोर की जाती है, और ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बाइनरी कोड होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इतना ज्यादा जूम करने पर ये दिखता है, और जो रेजर इस बाइनरी कोड को रीड करती है वो हमारे बाल से भी 6 गुना ज्यादा छोटी होती है। नंबर 2, इंडिया में अगर आपको बंदूक लेनी है तो उसके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, लेकिन अगर एक अमेरिकन को एक बंदूक लेनी है तो उसे 1 ही घंटे के अंदर बंदूक और उसका लाइसेंस भी मिल जाएगा, और दूसरी कंट्रीज में इसके लिए कई महीने लगेंगे और काफी ज्यादा बैकग्राउंड चेकअप भी होगा। नंबर 3, पूरे वीक का सबसे प्रोडक्टिव दिन ट्यूजडे का दिन होता है। एक रीजन इसका ये भी है कि संडे को आराम करके मंडे के लिए कोई भी रेडी नहीं होता, इसलिए मंडे अक्सर काफी बोरिंग और लंबा जाता है, और हम मंडे को किसी भी काम को करने में काफी ज्यादा आलस भी करते हैं, लेकिन ट्यूजडे को हम वर्क मोड में फिर से ऑन हो जाते हैं, और वेडनेसडे थर्सडे आते आते फिर से हम थक जाते हैं, इसीलिए ट्यूजडे सबसे प्रोडक्टिव दिन माना जाता है। नंबर 4, कुछ रिसेंट स्टडी में पता चला कि आप सोशल मीडिया पर जितनी ज्यादा सेल्फी अपलोड करोगे, धीरे धीरे आप उतने ही ज्यादा कम अट्रैक्टिव और कम पसंदीदा बन जाओगे, और ना सिर्फ ऐसा आपको खुद को लगेगा बल्कि दूसरों को भी ऐसा ही लगेगा। नंबर 5, इस वीडियो को देखो, शायद आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये है एक असली धड़कता हुआ हार्ट जो कि ट्रांसप्लांट के लिए ले जाया जा रहा है। इसे मशीन पंपिंग के जरिए जिंदा रखा जा रहा है, और आप देख सकते हो कि इसे से लाया गया था ताकि जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट किया जा सके, वरना ये हार्ट खराब भी हो सकता है। नंबर 6, जापान अपने कस्टमर को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर और सेफ रहता है, और इसी वजह से आप देख सकते हो कि किसी भी एयरलाइन में आपके बैग को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसी वजह से कई लोगों के लगेज में डैमेज भी हो जाता है, लेकिन जापान में लगेज को बहुत ज्यादा केयरफुली रखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 7, एक बार जरा इस वीडियो को देखो, ये सब्सटेंस किसी सुपर पावर से कम नहीं है, इसका नाम है गैलियम, और ये किसी भी मेटल को कमजोर कर देता है। ये सच में अनबिलीवेबल है, कैसे इसे सोडा कैन पर डालने से सोडा का कैन एक पेपर जैसा बन जाता है, और एकदम मजबूत लॉक भी इस गैलियम की मदद से आराम से टूट सकता है, और कमाल की बात तो ये है कि आप इसे छू सकते हो। नंबर 8, क्या आपको पता है आपकी रोज की खाने वाली चीजें आपकी जान भी ले सकती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें आप आज तक बुरा समझते थे लेकिन वो आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकती है। सबसे पहले है वाइन। शायद ये सुनते ही बहुत सारे ड्रिंक करने वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होंगे, लेकिन मैं रेड वाइन की बात कर रहा हूँ, 25 रुपए वाले देसी पौवे की नहीं। तो रेड वाइन में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके हार्ट के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन हर चीज लिमिट में ही फायदा देती है। ज्यादा तो पानी पीने से भी इंसान मर सकता है। डायरेक्ट सन में जाने से पहले आप सनस्क्रीन लगाने कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ देर डायरेक्ट सनलाइट में जाना आपके लिए हेल्दी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन ज्यादा देर तक धूप में रहने से सनबर्न और कैंसर भी हो सकता है। किसी भी पेरेंट से पूछ लो, वो वीडियो गेम को खराब ही बोलेंगे, जो कि सही बात है, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो बच्चे दिन में 1 घंटा या उससे कम गेम खेलते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी होती है। मैरियोना, जिसे इंडिया में गांजे के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे अमेरिका के 22 स्टेट्स में लीगल कर दिया गया है, और इसे काफी बीमारियों को दूर करने के लिए दवाई की तरह यूज किया जाता है। नंबर 9, मिनेसोटा का मेयर पहले एक डॉग हुआ करता था जिसके बारे में शायद आपने कभी ना कभी सुना हो, लेकिन फिर इसे निकाल दिया गया, लेकिन मिनेसोटा में फिर से उस डॉग को मेयर की तरह अपॉइंट किया गया। आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा खुश लग रहा है। नंबर 10, रोजाना आप अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे सूज, मोबाइल, कार एक्सेट्रा, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ये नॉर्मल से प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज में आखिर दिखते कैसे हैं? आपके घर में जो कोकोनट ऑयल है वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में ये कुछ ऐसा दिखता है। भाई, इस पर क्या लिखा है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। बर्गर किंग कुछ ऐसा दिखता है जिसे मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सेम नाम से पहले से ही एक कंपनी थी, इसलिए बर्गर किंग को ऑस्ट्रेलिया में हंग्री जैक के नाम से जाना जाता है। ये चॉकलेट वाला एक्स का एड तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन क्या
आपको पता है यूके, चाइना, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक्स को लिनक्स के नाम से जाना जाता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ओरियो अमेरिका में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन एशियन कंट्रीज में ओरियो के स्ट्रॉ भी मिलते हैं दूध पीने के लिए, जिन्हें आप खा भी सकते हो। कैलॉग्स चोकोस इंडिया में कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन यूके में ये कुछ ऐसा और अमेरिका में ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।